हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर हम एक मीनारा मस्जिद के एक और आगे एक मस्जिद है, शाफी मस्जिद है, यहाँ पर खड़क एरिया है। यहाँ पर हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो खादिम थे इस मस्जिद के, आज 12 बजे को एक बंदा आया, इनको राशन का जो है राशन कहीं सस्ते में मिल रहा है या आधे दाम में मिल रहा है, ऐसा करके यहाँ पे इनको बाइक पे बिठा के आगे सिटी हाइट में लेके गया और जो है उनसे 1000 रुपए लेके गायब हो गया। बात करते हैं जी, आपका नाम? मैं मोहम्मद सदर आलम बोल रहा हूँ। सदर आलम जी, क्या हुआ था, कितने बजे हुआ? ये तकरीबन 12 बजे, आज तकरीबन 12 बजे हुआ था। ये हमारे मैं खादिम अहमद भाई हैं, उनके पास आए, बोले कि कुछ राशन है, मेरे पास जो है पैसे चेंज नहीं है, आप 1000 रुपये मुझे दे दो और जो से वहाँ राशन के पास ले जाएंगे और चेंज करवा देंगे। यहाँ आने के बाद हम राशन भी दे देंगे और कुछ पैसे भी दे देंगे, आप लोग बांट लेना आपस में। तो मुझे उसने गाड़ी में अंदर ही पैसे मांगा आपसे? हाँ हाँ, अंदर ही पैसे मांगा। अहमद हाँ। भाई ने मेरे हाथ में पैसे 1000 रुपये दिए। हाँ। उसने बैग वाले ने मुझे पीछे बैग पे बैठाया, उस पर ये सामने सिटी हाइट बिल्डिंग है, उसके नीचे मुझे उतार दिया, बोला 1000 रुपये मुझे दो, मैं सामने से तेल का गैलन लेकर के आता हूँ। मैं बोला इस बिल्डिंग के अंदर किधर जाऊंगा, तो उसने कहा 7 माले पे जाना और 701 नंबर रूम है, आप वहाँ चले जाना और मैं जब तक मैं आ रहा हूँ। मैं जाने के बाद वहाँ बेल नहीं बजाया रूम का, 10 मिनट में बैठा रहा। उसके बाद जो है इत्तेफाक की बात ये हुई कि 702 रूम के अंदर जो है इस शाफी मस्जिद का नमाजी था, उसने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया शाफी मस्जिद से आया, मैंने कहा मैं शाफी मस्जिद से आया हूँ। मैंने उनसे कहा चाचा आप मुझे कैसे पहचान, बोले नहीं कभी कभी मैं उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाता हूँ। बोले बेटा तुम किस लिए इधर आए, बोले चाचा ऐसा कि एक भाई साहब मस्जिद के अंदर गए हुए थे और बोले कि कुछ राशन है मेरे पास, आप 1000 रुपये दे दो, मैं वहाँ जा कर के आपको राशन भी दे दूंगा, पैसे भी दे दूंगा। नीचे जो मुझे उतार दिया, बोले कि तेल का गैलन जब तक मैं लेकर के आता हूँ आप जो ऊपर जाओ। अब मैं ऊपर जाने के बाद वो गायब हो गए, वापस मेरे पास आए नहीं। आपको ऐसा इनको ऐसा नहीं लगा कि भाई पैसे क्यों मांग रहा है? नहीं, पैसा उसने इसलिए मांगा था कि मेरे पास जो है, उसने सबसे पहले पूछा कि आप लोग कितने खादिम हो, तो इन लोगों ने बताया कि मैं इस टाइम पे 3 आदमी हूँ। तो वो बोला कि मुझे 5000 रुपये मस्जिद के खादिम को देना है हदिया के तौर पर, क्योंकि मैं हज के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए 1000 रुपये आप चेंज ले लो ताकि जो है वहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने 1000 रुपये दिया उनको। अच्छा, ये वाकई और दूसरी मस्जिदों में भी हुआ? हाँ, इससे पहले जो है तकरीबन 10-15 दिन पहले एक मस्जिद है बिश्ती मोहल्ला में, गोरा मल्ला मस्जिद के नाम से है, उस मस्जिद का एक खादिम है जिसका नाम मोहम्मद मुर्तजा है, बिहार से है वो, और उन्होंने आकर के हम लोग को बताया था कि भाई ऐसी सी बात है, एक शख्स है जो इस काम को अंजाम दे रहा है, वो कोई कोई मस्जिद में ऐसा कर चुका है, इसलिए उसे होशियार रहना। लेकिन हुआ क्या था कि जिस टाइम भी ये वारदात हुआ उससे पहले जो है मैं सो रहा था, जब मैं सो करके उठ आया तो हमको बताया, तो मैंने बताया भाई ऐसी सी बात है, मेरे पानों पूरा डिटेल्स में बता करके गए थे, लेकिन तुम लोगों ने फिर से वैसे किया, देखो अल्लाह बेहतर जाने अब क्या होता क्या नहीं सही है। तो फिर उसके बाद इन्होंने गया, जाने के बाद फिर से वही बात सामने आ गई। तो आप वहाँ पर खड़े थे, उसके बाद वो आए नहीं? नहीं, वापस वो नहीं आया। अच्छा, वो चला गया वापस। बाइक पे आप यहीं से, यहाँ से लेके गया था बाइक? अच्छा, मेन गेट से लेके गया था? हाँ, मेन गेट से हमको बैठाए। बैठाने के बाद वहाँ सिटी हाइट जो सामने बिल्डिंग है, सिटी हाइट वो सामने वाली बिल्डिंग, सिटी हाइट। हाँ, उसके नीचे मुझे उतार दिया, बोले कि 1000 रुपया जो आप मुझे दे दो, मैं सामने से तेल का गैलन लेकर के आता हूँ। बोला अंदर किधर जाऊँगा मैं बिल्डिंग के अंदर, बोले 7 माले पे 701 नंबर रूम है, वहाँ चले जाना। तो मैंने जाने के बाद वहाँ बेल नहीं बजाया, मैं बैठा रहा क्योंकि वो बोलते गया कि मैं आ रहा हूँ, तो वो आए तो खुद ही रूम खोल करके मुझे दे देंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है, हम इस मस्जिद के ट्रस्टी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने परमिशन दी कि खादिम लोग के बारे में अवेयरनेस करें, और जो भी मस्जिद के दूसरे खादिम है वो इस देखिए सामने ही पुलिस कैमरा है, आप देख सकते हो सामने ही पुलिस का कैमरा, अगर पुलिस चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, क्योंकि जो खादिम लोग रहते हैं बेचारे बहुत दूर के रहते हैं और इनको ट्रस्टीज की परमिशन भी नहीं मिलती कि कंप्लेंट करे वगैरह ये करे, अगर पुलिस चाहे तो उस बंदे को ढूंढ सकती है, सामने ही कैमरा है। और दूसरी बात ये है कि खादिम लोग जो दूसरे मस्जिदों के खादिम हैं वो इस बंदे से जो है अलर्ट रहें, सतर्क रहें कि ये बंदा जो है आपको हाजी बनकर आपके 1000 रुपये लेके आपको बेवकूफ़ बनाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज फैलाइए। सलीम शेख, गली में।